ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, सूर्य कर रहे हैं राशि परिवर्तन। सूर्य प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि 16 जुलाई 2021 को, और वहां पे गोचर करेंगे 16 अगस्त 2021 तक। सूर्य प्लैनेटरी सिस्टम के राजा हैं, पूरी यूनिवर्स के एनर्जी सेंटर हैं और सोल को रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमंस के लिए। इसके जो ट्रांजिट हैं वो हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस लाती हैं, चाहे वो चेंजेस 30 दिन का हो, मगर फिर भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रांजिट का क्या प्रेडिक्शन रहेंगी। सबसे पहले हम जानेंगे इस ट्रांजिट पीरियड के दौरान जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसका फर्क पड़ेगा सन का कंजंक्शन रिलेशनशिप दूसरे प्लैनेट के साथ। दोस्तों, इस पीरियड में जो प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे उनके ट्रांजिट की डिटेल्स आपके सामने हैं, डेट्स आपके सामने हैं। ये इम्पॉर्टेंट रहता है बिकॉज सूर्य का दूसरे प्लैनेट के साथ क्या कंजंक्शन आस्पेक्ट चेंज होगा, उसके अनुसार जो उसके रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। सूर्य आप जानते हैं जेमिनी, जो कि बुध की राशि है, एरी एलिमेंट था, वहां से निकल के वाटर साइन में जाएंगे। तो जब तक वो एरी एलिमेंट में थे, बुध के साइन में थे, वो काम कर रहे थे बुद्धि पे। अभी वो जाएंगे इमोशंस के अंदर। मून फेमिनाइन एनर्जीज को इंडिकेट करता है, सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट करता है। सो देयर विल बी ए कनेक्शन विद ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज विद द मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप मुंडेन लेवल पे देखें तो जब सन एरी एलिमेंट में यानी कि मिथुन राशि में थे तो एक टाइम पे ऐसी हीट वेव आ रखी थी कि आपने न्यूज में देखा होगा, कैनेडा जो कि हम ठंडा कंट्रीज मानते हैं, उन कंट्रीज के अंदर भी कई लोग जो हैं हीट वेव से मर गए। कैलिफोर्निया के जंगल्स में आग देखी आपने, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के नए रिकॉर्ड देखने को मिले। सभी जब यह सूर्य एरिया साइन से निकल के वाटर साइन में चले जाएंगे तो एनर्जी जो हीट वेव्स के लेवल हैं वो कम हो जाएंगे, गर्मी के जो टेम्परेचर हैं वो कम हो जाएंगे। सो पानी को अपनी एनर्जी देंगे। सो इस पीरियड के अंदर आप काफ़ी बारिश, फ्लड्स, साइक्लोनिक कंडीशन देख सकते हैं। कब तक? जब तक कभी मंगल भी कैंसर साइन में होंगे। मंगल और सूर्य दोनों हीट और एनर्जी के प्लैनेट्स हैं, ये वाटर साइन में होंगे 20 जुलाई तक। तो उसके बाद मंगल निकल के फिर लियो साइन में प्रवेश कर जाएंगे। तो लियो साइन में, लियो इज अगेन फायरी साइन। सो 20 जुलाई के बाद आपको फिर गर्मी के नए रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, मगर 16 से 20 का पीरियड ऐसा रहेगा जिसके अंदर आपको साइक्लोनिक कंडीशन, काफी रेनफॉल, फ्लड्स ये देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कैंसर साइन के अंदर जब सन मूव करते हैं तो ये एक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन एंड मून दे आर फ्रेंडली साइन। तो भी जानेंगे हर राशि के अनुसार आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज की। इससे पहले दोस्तों, ये टाइमलाइंस हैं जिसके अनुसार आप डायरेक्ट अपने राशि फल पे जा सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी साइट है astrojeeva.com, astrojeeva.com पे आप जाके ये जो ट्रांजिट साइन की डिटेल्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं एरीज साइन की। इसके अंदर जो सूर्य है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में क्या डिटेल इंडिकेट करता है? ये सुख स्थान है, ये पीस ऑफ माइंड है, ये आपका घर है, ये आपको जिंदगी में मिलने वाली खुशी है, वो जगह है जिसको हम सुकून बोलते हैं,
जहाँ पे आप आके शांति से बैठ सकते हो। हैप्पीनेस, होम, फैमिली, आपकी मदर, हमेशा मदर को आपकी ज़िंदगी का सुख बोला जाता है। सो जो लोग अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो अपने सुख को खुद अपने लात मारते हैं। सो उसमें प्लैनेट्स को आप ब्लेम मत करें, आप अपने आप को देखें आपके मदर के रिलेशंस कैसे हैं। जनरली जब मेरे पास कोई आता है फोर्थ हाउस को मैं देखता हूँ, कोई मैलेफिक होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपके मदर के रिलेशन कैसे हैं, मदर की हेल्थ कैसी है। मदर की हेल्थ, मदर के साथ रिलेशंस अगर फोर्थ हाउस में आपको देखने हैं, फोर्थ हाउस के साथ रिलेट करते हैं अगर मैलेफिक है और आपके रिलेशन ख़राब हैं, तो समझ लें कि आप अपने भाग्य को खुद लात मार रहे हैं। सो फोर्थ हाउस क्या है? आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माइंड है। सो अभी जो जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे, सूर्य क्या है? हीट है, एनर्जी है, ईगो है, पावर है, अथॉरिटी है, मैं। सूर्य मैं को इंडिकेट करता है, वो बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ। जब ये वाटर साइन में जाएंगे, साइन ऑफ इमोशंस में जाएंगे, तो आपको रिलेशनशिप के अंदर कुछ ड्राइनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंसर पानी है, सूर्य उसको सुखाने की कोशिश करेगा। सो जो इंडिविजुअल है उसको घर पे ओपोजिशन देखने को मिलेगी, आर्गुमेंट हो सकते हैं, आइडियाज़ का क्लैश हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्पेशली विद मदर, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, गुस्से वाला ग्रह है। अगर आप अपनी जो मैं को, कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर बहुत बढ़िया, फिर तो कोई इशू नहीं रहेगा, मगर मैं को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी राजा आए हैं तो घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम आएगी, कोई आपका पैसे आने का इनकम बढ़ेगी, कुछ ना कुछ घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम ऐड कर सकते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, कुछ भी ले सकते हैं। आपको कोई पेरेंट्स प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, आपके फादर आए हैं वो बोलेंगे अच्छा ये प्रॉपर्टी ले लो, ये गिफ्ट ले लो। कुछ नहीं तो घर के अंदर कोई गेस्ट आएगा तो वही आपके लिए कोई बढ़िया गिफ्ट लेके आ जाएगा। सूर्य सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, सो क्या होता है कि ओपिनियन का फर्क आ जाता है घर के फैमिली मेंबर्स के साथ, और हो सकता है कि घर के फैमिली मेंबर से कुछ दूर जाना पड़े, कहीं विजिट करनी पड़े, कहीं घूमने जाना पड़े, या ऑफिस ही आपको इतना बिजी कर दे कि आप फैमिली के लिए टाइम ना स्पेंड कर सके। सो सेपरेट का अफेक्ट जरूर आएगा। सन टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन को स्ट्रांग करते हैं, मगर वहां से शनि बैठ के सूर्य को कमजोर करेंगे। सो सूर्य तो प्रोफेशन को स्ट्रांग कर देंगे, मगर शनि घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन के अंदर आपको कुछ गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, हायर पर्सनैलिटी से कुछ फेवर जरूर देखने को मिलेगा। मदर के सेहत का ख्याल रखें, ओवरऑल पीरियड ठीक रहेगा। टॉरस साइन की बात करते हैं, वृष राशि। सूर्य फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, वो ट्रांजिट करेंगे थर्ड हाउस में। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जब थर्ड हाउस में आते हैं, कोई भी मैलिफिक थर्ड हाउस में आता है, तो उसको हम शुभ रिजल्ट देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस है आपकी मेहनत का, आपकी एफर्ट्स का, वाइटलिटी का, कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स। सो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी एनर्जी का लेवल बना रहेगा, कॉन्टैक्ट से आपको सपोर्ट मिलेगी। जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेनरशिप ऐड करना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल साइड पे वो प्रोजेक्ट जो बड़े मुश्किल थे उनके अंदर सफल हो सकते हैं। अभी इसके अंदर जो लोग एक्टिंग में है, मॉडलिंग में है, कम्युनिकेशन में है, सेलिब्रिटीज हैं, और कोरोना टाइम में बैठे हुए हैं घर पे, काम नहीं है, उनको कुछ मौका मिलेगा काम करने का, कहीं से इनकम बढ़ सकती है, कोई उनको नई असाइनमेंट मिल सकती है, बट इसके लिए कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, सिबलिंग्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा।
सो आप जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फ्रेंड सर्कल पे हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहें, उन कॉन्टैक्ट्स को मिस मत करें, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो अपने आप को यू सेल योरसेल्फ। सो जो लोग एक्टिंग, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन या स्टार्टअप बिजनेस, उन लोगों को अगर कम्युनिकेशन में रहते हैं तो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट पर्सन, खेलने वाले लोग, स्पेशली जो लोग बाजू की ताकत से खेलते हैं, आर्म से खेलते हैं, उन लोगों को सफलता मिलेगी। वाई आर्म्स? बिकॉज थर्ड हाउस इज मोर रिलेटेड टू आर्म्स। जो लोग किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो सक्सेस मिलेगी। इस पीरियड में ट्रैवल कर सकते हैं जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और अपने सिबलिंग्स को मिलने के लिए। कोई शॉर्ट ट्रिप जा सकते हैं दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। जो लोग पोस्टिंग, ट्रांसफर, चेंज ऑफ जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो टाइम टू मूव। सो टॉरस के लिए यह ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट रहेगा। जेमिनी साइन, मिथुन राशि, अभी सूर्य जो है तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर के सिग्निफिकेशन आपने लास्ट टॉरस साइन में सुने और नेचुरल सिग्निफिकेटर है फिफ्थ हाउस की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस लियो साइन पड़ता है, तो ये सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सेकंड हाउस क्या होता है? फैमिली का, स्पीच का, खाने का, वेल्थ का, आपके राइट आई का। सो देयर इज द रिलेशन ऑफ योर एफर्ट, योर फिफ्थ हाउस एंड योर सेकंड हाउस। सो पैसे का स्वामी सूर्य, पैसे का राजा है, वही तो सब कुछ देता है। फाइनेंसिस, वो सेकंड हाउस आ रहा है, तो आप सोचें कि पैसा तो आएगा, फाइनेंशियल गेन होंगे। आप अपनी एफर्ट से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने ट्रेवल से, अपने सिबलिंग से और इवन अपने बच्चों से आप पैसा कमाएंगे, एजुकेशन से पैसा कमाएंगे, पेरेंटल साइड से, इनहेरिटेंस से, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन जरूर देखने को मिलेगा। सेकेंड हाउस स्पीच का भी है, फैमिली का भी है। सो अभी जो मैं, मेरी ईगो, मेरी अथॉरिटी, मेरी पावर, ये फैमिली और स्पीच में आ गई, तो क्या करेंगे? ईगो क्लैश करेंगे, फैमिली मेंबर्स को दबाने की कोशिश करेंगे, सो घर में क्लेश होगा। सो अवॉइड यूजिंग एनी हार्श वर्ड ईगो इन योर फैमिली। आई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर के पास जाएं, इग्नोर मत करें। आईज ड्राई हो सकती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैंसर साइन, कर्क राशि, सूर्य जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं अभी लगन में। सेकंड हाउस के इम्प्लीकेशन आपने लास्ट जेमिनी साइन में सुने। तो सूर्य सिग्निफिकेटर है सोल के, आत्मा के, और वो रिप्रेजेंट होते हैं लगन में। सो सूर्य लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सो अभी सूर्य का पैसे के घर के साथ कनेक्शन आ गया, लगन का पैसे के घर के साथ कनेक्शन आ गया। सो क्या होगा कि जातक पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करेगा, कोई ना कोई पैसा कमाने का रास्ता ढूंढेगा। कोई आप देखें कि इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, मदर से, फैमिली से पैसा आ सकता है, पैसा कमाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्योंकि सूर्य लगन में है। अच्छा करेंगे प्रोफेशन में, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। तो लगन में सूर्य है तो आप चमकेंगे, लोग आपको जानेंगे, नेम फेम बढ़ेगा, जो सीनियर्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इज्जत देंगे, जो जूनियर है वो आपको एक मॉडल की तरह ले सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सीनियर जूनियर वो आपको इज्जत दें, आपका नेम फेम बढ़े। जो लोग पब्लिक सेलिब्रिटीज हैं, कोई पॉलिटिक्स में है, सेलिब्रिटी है, ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है,
वो कोई अच्छा काम कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है और उनका पब्लिक के अंदर इमेज इम्प्रूव हो सकती है। और जो लोग मैरिड हैं, सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है, शनि देवता तो पहले ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले 2-2.5 साल से मैरिड लाइफ के अंदर इशू चल रहे हैं और सूर्य देवता भी उसको देखेंगे, सो मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत बढ़ सकती है। शनि वहाँ बकरी बैठे हैं, बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, सो मैरिड लाइफ के अंदर आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है, एटीट्यूड की वजह से हो सकता है, ईगो की वजह से हो सकता है, तो उस चीज का ख्याल रखें। बात करेंगे सिंह राशि की, लियो साइन, सूर्य 12th हाउस में आ गए, कैंसर साइन के। 12th हाउस क्या होता है? आपके लॉसेस, चोरी होना, खर्चा होना, कोई आपको धोखा दे गया, कोई दगा दे गया, हॉस्पिटल्स, जेल, लेफ्ट आई, फॉरेन कंट्री और शैया सुख, शादी का जो सुख होता है, बेडरूम का सुख, वो 12th हाउस से आता है। सो सूर्य कैंसर में आ गए तो 12th हाउस के सिग्निफिकेशन को अफेक्टेड करेंगे। सो जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं या उनकी कंपनी विदेशी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। वो लोग कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं, कहीं मेजर बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल बिजनेस में हैं या लोगों के दुख तकलीफ से पैसा कमाते हैं, डॉक्टर्स हो गए, फार्मा इंडस्ट्रीज होगी, उनको पैसे लोग तभी देते हैं जब दुख में हो, तकलीफ में हो, वैसे कौन डॉक्टर के पास जाता है। सो मेडिकल प्रोफेशन, फार्मा इंडस्ट्रीज, इन लोगों के लिए बेनिफिट है, वो लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते, बहुत बढ़िया टाइम, वो इस पीरियड के अंदर अपनी जॉब एप्लीकेशन, वीजा प्रोसेस को परस्यू कर सकते हैं। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी चांसेस बनते हैं, फॉरेन कंट्री में जाने के चांसेस बनते हैं, आपका खर्चा बढ़ेगा। खर्चा किस पे हो सकता है? ट्रेवल्स पे हो सकता है, इंजॉयमेंट पे हो सकता है, लग्जरीज पे हो सकता है, हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट में भी खर्चा बढ़ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज, दोस्तों नोट करें, प्रेग्नेंट लेडीज वो केयरफुल रहें। क्यों? क्योंकि सूर्य नेचुरल सिग्निफिकेटर है 5th हाउस के, 12th हाउस में है, सो मेडिकल अटेंशन को इंडिकेट करते। केसेस में आपने देखा होगा जिन लेडीज ने कंसीव किया है वो बैलून फट जाता है, वजह क्या है? पानी, पानी पे इफेक्ट आ रहा है, सूर्य आ गया, सो षष्टम अष्टम रिलेशन हो गया। सो अगर कोई ध्यान रखना है, ज्यादा मूवमेंट को अवॉइड करें। जो लोग कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, ध्यान रखें, स्पेशली लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट, सूर्य अथॉरिटी, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है स्पिरिट में। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ कोई काम पेंडिंग है तो उसको रोक दें, कम से कम 30 दिन, तब तक उस काम का पंगा मत लें। अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें फेवर ना मिले। चले बात कर लेते हैं कन्या राशि की, वर्गो साइन, सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड है और अभी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11th हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ गेन्स। हाउस ऑफ गेन्स 12th हाउस के साथ रिलेटेड आ गया। 11th हाउस गेन्स, वेल्थ, प्रॉफिट, बड़े भाई, आपका फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या हो सकता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको इंडिकेट करता है। सो जो लोग बिजनेस रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ रखा हुआ है, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एमएनसी है, उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नए रिलेशन बन सकते हैं, नई डील क्रैक हो सकती है। आप लोग अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज, फ्रेंड पे समय निकालेंगे। आपका खर्चा जो है, खर्चे का स्वामी जो हाउस ऑफ गेन्स में है,
सो इस पीरियड में आप पावरफुल कनेक्शन बनाएंगे, खर्चा करेंगे, तभी तो कनेक्शन बनेंगे। अपने दोस्तों को बढ़िया पार्टीज देंगे, तभी तो आपके रिलेशंस बनेंगे। सो रिलेशन के साथ साथ आपकी स्टेटस, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़ेगी, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और उसके साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। खर्चा करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, सोशल नेटवर्क में रहेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, तभी गेन्स होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इस बात को याद रखें। सो अपने सोशल नेटवर्क पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने बड़े भाई पे, अपने प्रोफेशन में खर्चा करें। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, सोशल सर्विस में हैं, उनको मेजर गेन हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट आपका डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रिक्स, एसिडिटी, इन चीज़ों को बढ़ा सकता है। खाने का ख्याल रखें। बात करेंगे लिब्रा साइन की, तुला राशि। तुला मीन्स ए बैलेंस, और सूर्य जो है 11th हाउस के लॉर्ड है, इनकम गेन्स एक्सपेंशन के। तो ये ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में। 10th हाउस क्या होता है? कर्म, आपके कर्म, प्रोफेशन, रोजी रोटी कमाने का जरिया, आपका वर्क एरिया, रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ऑनर्स, अवार्ड, फेम, आपके काम करने की जगह। सो इस ट्रांजिट में आपका जो गेन्स का कनेक्शन प्रोफेशन के साथ होता है, सो अब बहुत बढ़िया। जो नेटिव है उसको सक्सेस मिलेगी प्रोफेशन में, नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलेगी जॉब में। जहाँ पे भी आप काम करते हैं लोग बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया, कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी मिल सकती है। बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सरकार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उन लोगों से आपको फेवर मिल सकता है। इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनको एप्रिसिएशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है टॉप मैनेजमेंट से। मगर दोस्तों इस वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है आप अपने घर को इग्नोर करते, फैमिली फ्रेंड को इग्नोर करते, सो कुछ इश्यूज फैमिली में देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सूर्य लॉर्ड ऑफ 10th हाउस ट्रांजिट इन 9th हाउस। 9th हाउस क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का, धर्म, रिलीजन, ये भाग्य स्थान है, ये हाउस ऑफ फॉर्चून है, प्रॉस्पेरिटी है, ये टीचर, गुरु, लॉ, लीगल, फादर, इंट्यूशन, लॉन्ग ट्रेवल्स, पूरे पुण्य और हायर एजुकेशन। सो सूर्य का ट्रांजिट बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। कर्म स्थान और धर्म स्थान का आपस कर्म कनेक्शन हो गया। सो जो जातक है वो प्रोफेशन में कमाएगा, उसको जो काम की कम काम किए हुए भी गेन मिल जाएगा। भाग्य प्रोफेशन में साथ देगा, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको कमांड मिलेगी, कुछ आपका स्टेटस एलिवेट होगा। स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में है, लक उनको फेवर करेगा, कंपटीशन एग्जाम में, विदेश जाने में उनको मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो ट्रैवलिंग घूमने के लिए जाना चाहते हैं पॉजिटिव टाइम, रिलीजियस के लिए जाना चाहते हैं पॉजिटिव टाइम। सो इस पीरियड में आप एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटी, पेरेंट्स से मिलने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है आप फैमिली के साथ जाएं या अकेले जाएं। तो आप लोगों की जो इंक्लिनेशन है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ पड़ेगी। सो हो सकता है घर के अंदर कोई फंक्शन करें, कोई पाठ पूजा रखी हो, कोई नया सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके फादर के साथ रिलेशन इम्प्रूव होंगे और आपको फादर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। बात करेंगे धनु राशि की।
अभी सूर्य देवता 9th हाउस के लॉर्ड है, ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में। 9th हाउस के क्या सिग्निफिकेशन है वो आपने स्कॉर्पियो साइन में सुने। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हिडन सीक्रेट, ये सीक्रेट हाउस है, इसके रिजल्ट्स को आप डिपेक्ट नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते 8th हाउस के। कुछ पता नहीं कहाँ से बेनिफिट आ जाए, कहाँ से लॉस आ जाए। सो ये डेथ को भी इंडिकेट करता है, लॉन्जिविटी को भी इंडिकेट करता है। मिसफॉर्चून ऑब्स्टिकल सीक्रेट एनिमी डेट सेंस एनिमिटी एक्विजिशन स्कैंडल्स ओकल्ट स्टडीज इनहेरिटेंस और वो गेंस जिसका आपको सोर्स ही नहीं पता, चाहे इंश्योरेंस से हो या किसी और वजह से, उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती 8th हाउस में, तो हर काम में आपको ऑब्स्टिकल देखने को मिल सकते हैं। ऑब्स्टिकल किस में हो सकते हैं, एजुकेशन में, ट्रेवल में, प्रोफेशन में। जो हायर एजुकेशन या रिसर्च के वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सक्सेस है। वो कल्ट स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट बढ़ सकता है, हो सकता है कोई कोर्स एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट्री का, प्राणिक हीलिंग का, वास्तु, ऐसी कोई जो स्टडीज है उसका कोर्स ज्वाइन कर लें, नहीं तो किताब ही पकड़ लें। हेल्थ इश्यूज ट्रबल कर सकते हैं। कैंसर हार्ट का साइन है, सो वीकनेस ऑफ हार्ट इंडिकेट होती है। फादर की हेल्थ भी इश्यू ऑफ कंसर्न हो सकती है, कोई दिक्कत हो तो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, इग्नोर मत करें। जो लोग अपने नेटिव जगह से एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, टाइम ठीक है। 8th हाउस 12th हाउस ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सो कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। सो नेटिव को जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी प्रोफेशन में, एजुकेशन में, इवन मेंटल फैकल्टीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव समय। जनरली इस पीरियड में लक फेवर नहीं करेगा, सो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेंगे, सो मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट करें वो जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं उनको क्रॉस करने के लिए। कोई इल्जाम लग सकता है, कोई एक्विजिशन लग सकती है आपके प्रोफेशन में, आपके ऊपर। जो लोग शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस में, स्पेकुलेटिव मार्केट में हैं उनके लिए ये पीरियड अच्छा है, पैसा कमा सकते हैं, झटके से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस बात को याद रखें, ये पीरियड धनु राशि के लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। हर काम को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो स्लो डाउन हो जाए, एक महीने की बात है। दोस्तों बात करेंगे मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन की। सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड हैं, ट्रांजिट करेंगे 7th हाउस में। 8th हाउस के सिग्निफिकेशन आपने पिछले पार्ट में देखे हैं, अब 7th हाउस के और इंडिकेट करता है। ये हाउस ऑफ मैरिज, शादी से मिलने वाली खुशी, मैरिटल हैप्पीनेस, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस टाइप की हो सकती है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फॉरेन को, लोअर एब्डोमिनल, डिप्लोमेसी, टैलेंट। सन जो सूर्य है एक मैलेफिक प्लेनेट है, ये यहाँ पे सेपरेटिस्ट रिजल्ट देता है। एक्सेस हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से ये मैरिड लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस दे सकता है। जो 7th हाउस है एक बड़ा सॉफ्ट हाउस है, इस पे जब कोई क्रूर ग्रह आ जाता है तो उसके अंदर दिक्कत देता है। सो कोई भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ आर्गूमेंट को अवॉइड करें, ईगो इश्यू से बचे। आप देखेंगे इस पीरियड के अंदर कुछ भी हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मेडिकल, कोई भी रीजन हो, यू विल बी गेटिंग मूविंग अवे। मूविंग अवे क्या हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल पे, इमोशनल पे, बात करने का दिल ही नहीं कर रहा, मेडिकल रीजन है, दूर हो गए। वजह क्या हो सकती है, प्रोफेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ईगो के इशू हो सकते हैं, कोई छोटी सी बात पे तनक गए और दोनों नाराज होके बैठ गए। जो लोग अनमेरिड हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, समय पॉजिटिव नहीं है। जो लोग एंगेज्ड हैं बट शादी नहीं हुई, उनको अपने कॉन्टेक्ट जो हैं वो दूसरी पार्टी के साथ अवॉइड करने चाहिए,
क्योंकि इस पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्रंटेशन हो सकती है, सो रिलेशनशिप टूट सकते हैं। सो जो रिलेशन इस पीरियड के अंदर कॉन्टैक्ट है मिनिमम रखें। सूर्य हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है। सो आपको यू कैन हैव सम क्लोजनेस विद ऑपोजिट सेक्स आपके वर्क प्लेस पे, कुछ रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, शुभ समय है, फॉरेन रिलेटेड काम कर सकते हैं, ट्रेवल अब्रॉड करना चाहते हैं करें, सफलता मिलेगी। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, अभी इस एक्वेरियस साइन के चार्ट के अंदर सूर्य सेवंथ हाउस के स्वामी हैं, वो सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिक्स हाउस क्या है, इसको बोलते हैं रोग रिपु ऋण, यानी कि बीमारी, कर्जा, दुश्मन से ट्रबल, इंजरीज, लिटिगेशन, डेट, एक्सीडेंट, बदनामी, दुख, तकलीफ, ये सब सिक्स हाउस से इंडिकेट होते हैं। ये कंपटीशन का भी कर रहा है, ये आपकी एफर्ट का भी कर रहा है, जॉब का भी कर रहा है, और मेटरनल अंकल का भी कर रहा है। सेवंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए तो ये ट्रांजिट अच्छा नहीं होता है। जो रिश्ते हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत है, रिश्तों की जो नमी है, जो अटैचमेंट है, उसके ऊपर असर पड़ता है। सो ये देता है डिटैचमेंट, मिसट्रस्ट, ईगो क्लैश लाइफ पार्टनर के साथ। तो रिलेशंस को ध्यान से हैंडल करें, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज इस पीरियड में बीमारी भी परेशान कर सकती है। लीगल इश्यूज इन केस ऑफ पार्टनरशिप वो भी पैदा हो सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, अपने बिजनेस पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, गिव हिम स्पेस एंड टाइम, अदरवाइज कोई लीगल इशू हो सकता है बिजनेस में। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है, जिन लोगों ने पेट पाला हुआ है उसके ऊपर भी आपको कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिक्स हाउस रिलेट करता है कंपटीशन को, जॉब को। जो लोग कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, रिटन टेस्ट इंटरव्यू, उनको सफलता मिल सकती है, सरकार उनको जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकती है। जो लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन में जा रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको सफलता मिल सकती है। जो लोग मेडिकल या लीगल प्रोफेशन के हैं उनके लिए पैसे कमाने का समय है, वो लोग इस पीरियड में अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। सो कंपटीशन, जॉब, एफर्ट, उसके मामले में आपको सफलता मिल सकती है। अदरवाइज सूर्य जो है सिक्स हाउस में मेडिकल इश्यूज भी देते हैं, तो ख्याल रखें। बात करेंगे पाइसेस साइन की। मीन राशि, सूर्य सिक्स हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट करेगा फिफ्थ हाउस में, अपने नेचुरल हाउस में। सो फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस एजुकेशन, लर्निंग, इंटेलेक्ट, विजडम, फॉर्चून, लव रिलेशंस, रोमांस, अफेयर्स, प्रोजेनी, चिल्ड्रन, मंत्रा, स्पेकुलेशन। सो जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भाग्य उनको सपोर्ट करेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे भी सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो, आप समझे मेहनत बढ़ जाती है। जो लोग जॉब या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, जॉब के लिए बाहर विदेश में, सफलता मिलेगी। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, लीगल स्टूडेंट्स, लीगल प्रोफेशन, इन लोगों को सफलता मिलेगी। सूर्य करूर ग्रह है, सेपरेटिस्ट रिजल्ट देते हैं, एनर्जी, ईगो, ये लव रिलेशन को सुखा देती है। सो अपने ईगो इश्यूज की वजह से जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, लव रिलेशन, रोमांस, उनके अंदर कंफ्यूजन मत क्रिएट करें, अवॉइड आर्गुमेंट। कहीं ना कहीं आपको अपने लव रिलेशन से दूर जाना पड़ सकता है, दैट कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल। पैसा उधार मत लें,
क्योंकि जो कर्जे आएंगे वो बढ़ जाएंगे। पेट रिलेटेड इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज को आप ट्रीटमेंट लें। जो लोग प्रोजेनी में हैं, जो लेडीज प्रोजेनी जिनका जो कंसीव कर चुकी हैं, वो कोई भी वार्निंग को इग्नोर मत करें। स्पेशली जब पेट से कोई आवाज़ आती है उसको इग्नोर मत करें, मेडिकल हेल्प लें या थोड़ा रेस्ट रखें। लाइफ की स्पीड स्पेशली कंसीव्ड लेडीज थोड़े स्लो करते हैं। स्पेकुलेशन में आपका भाग्य खुल सकता है। शेयर मार्केट, फार्मेसी के स्टॉक लगाएं, बैंक के सेक्टर के स्टॉक लगाएं, इन चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों ये तो था सूर्य का ट्रांजिट कैंसर साइन में। ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि जब ये प्रेडिक्शन करते हैं तो आप सिर्फ एक ही प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, बाकी सब को इग्नोर कर देते हैं। मगर कुंडली में हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमें मिक्स रिजल्ट मिलते हैं। क्या है? सबसे पहले दशा होनी चाहिए, अंतरदशा होनी चाहिए। ट्रांजिट तो डिलीवरी बॉय है, ये तो रिजल्ट तभी देगा जब कोई चीज़ भाग्य में लिखी है और उसका पीरियड है। पीरियड कब आता है? दशा, अंतरदशा में। और उसके अलावा सूर्य का नेटल चार्ट के अंदर क्या पोजीशन है, क्या दूसरे प्लैनेट्स के साथ उसके रिलेशंस बनते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, समय मिलने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।